हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गए आज हम एक और रेसिपी ले करके आए हैं जो कि ज़्यादा मेहनत नहीं है, 10 से 11 मिनट में बनकर के तैयार हो जाएगी ये रेसिपी। तो ये रहे हमारे 3 आलू मीडियम साइज़ के। हम आज आलू और सूजी की रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत हेल्दी होगी। जो लोग डाइट फॉलो करते हैं, ऑयल वगैरह नहीं खाते, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। लो ऑयल है, या एक तरह से कह दिया जाए कि बिना ऑयल के है। तो देखिए, आलू हमने छील लिए हैं और अब इन्हें बारीक बारीक कट कर लेंगे जिससे कि आगे हमें ग्राइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देख सकते हैं इस तरह से बारीक कट कर लेंगे। देखिए, मोटे मोटे टुकड़े रखते हैं ना तो वो जल्दी ग्राइंड नहीं होते हैं, और बारीक वाले जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं इसी वजह से। तो ये देखिए, सारे ग्राइंड कर लिए, काट लिए थे, और इनको हम अच्छे से वॉश करेंगे 2 से 3 पानी में। तो देखिए, बिल्कुल वाइट निकल करके आए हैं। देखिए, इसका स्टार्च अगर हट जाएगा ना तो वो बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, इसको ग्राइंड हम कर रहे हैं अच्छे से। अब ग्राइंड कर लेंगे हम इनको, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, बिना पानी के हम इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए, ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल कोई लंग्स नहीं रह गया है। अगर बाय चांस कोई रह भी जाता है जो मिक्सी वगैरह में चिपक जाता है आसपास, तो या तो फिर से ग्राइंड कर लें या इसे निकाल दें। तो ये देखिए, फाइन ग्राइंड हो चुका है, हमने फिर से मिक्सी चला ली थी। तो सारा का सारा पेस्ट इस बड़े बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक स्वाद के अनुसार। देखिए, नमक हल्का ही रखना है क्योंकि आगे और भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, उसमें भी नमक हो जाता है, तो ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। चिली फ्लेक्स, देखिए बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो तीखा उसी हिसाब से करेंगे, आप अपने हिसाब से तीखा और नमक कर सकते हैं। तो ये देखिए, लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, हींग 2 से 3 पिंच, इसको मिक्स करेंगे। ये डाल दिया हमने गरम मसाला और चाट मसाला, ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं। अब गाइस, अगर खट्टा खाते हैं तो या नींबू या फिर अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने छोड़ दिया है। मसाला है तो इसमें भी खटास रहती है। देखिए, ये इस तरह के पीसेस निकाल देने हैं क्योंकि इस तरह के पीसेस आगे दिक्कत करेंगे। एक बात और गाइस, हम चाहते तो आपको खालिस में मसाला नमक ऐड करके बना सकते थे, मगर जिनके पास मसाला नमक नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होती, इसी वजह से हमने मसाला नमक नहीं ऐड किया। देखिए, अब इसमें हम 4 चम्मच या 4 टेबलस्पून हम सूजी ऐड कर रहे हैं। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिक्स कर रहे हैं, देखिए गाइस, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए, 2 स्पून और हम ऐड करेंगे, यानी टोटल हमने 6 स्पून सूजी ऐड करी है। और इसको मिक्स करके अच्छे से रख देंगे ढक करके रख देंगे कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी जो है वो फूल जाए। तो देखिए, सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है और ये थोड़ा सा गाढ़ी ज़्यादा हो गई है, मतलब ड्राई हो गई है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि ये थिकनेस इसकी कम हो जाए। तो देखिए, 2 स्पून के करीब हमने पानी इसमें ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। आपके पास जो भी इनो फ्रूट सॉल्ट हो आप वो ऐड कर लें। और ये देखिए, हम इसमें ऐड करेंगे पानी एक पैन में, और इस पानी को हम अपनी फ्लेम पर रख देंगे बॉयल होने के लिए। और ये एक इस तरह की ले लेंगे छन्नी छेद वाली, जिसको हम ऑयल से करेंगे ग्रीस, जिससे कि हम जो नाश्ता बना रहे हैं ये हमारा चिपके नहीं। तो देखिए, इस तरह से हम सारा फैला देंगे ऑयल ऊपर नीचे सब तरफ से। और फिर देखिए, हमें क्या करना है, इसको रख देंगे साइड पर। देखिए, अब हम देखिए इसमें ऐड करेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट, आपके पास जो भी हो आप वो इनो ऐड कर सकते हैं। और अब इस पर हम डालेंगे, ये देख सकते हैं इनो हमने ले लिया है, ग्रीन वाला, आप ब्लू वाला भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि इनो हमारा एक्टिवेट हो जाए, ये देख सकते हैं। और इसको हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है,
जिससे कि ये फ्लफ़ी और अच्छे से हो जाए। और इसको इनो ऐड करने के बाद में इसे हमें रखना नहीं है, बस तुरंत हमें इसे नाश्ता तुरंत बना लेना हमें। अगर आप रख देंगे तो इनो का काम कम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम ले लेंगे एक पॉलीथीन और इसके ऊपर का साइड हम कट कर देंगे और इसे एक हम ग्लास में रखेंगे। आप इसकी जगह पर कोन हो आपके पास पॉलीथीन की तो वो कोन भी ले सकते हैं। तो हमने ले ली है पॉलीथीन। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना जितना भी बैटर है भर देंगे और भरने के बाद में देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह से सारा हम भर देंगे, फिल कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास थोड़ा ही बैटर था इसलिए हमने एक ही बार में पन्नी में कर लिया है। आप जितना जेंटली कर सकते हैं यूज़ उतना ही भरें। तो ये देखिए इस तरह से हमने भर करके एक सार कर लिया है। आप चाहें तो रबर बैंड, आप अगर बिगनर हैं तो आप रबर बैंड लगा लें, और नहीं अगर रबर बैंड के बिना ही आप एडजस्ट कर पाएँ तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पानी हमारा बॉयल होने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वही छेद वाली छन्नी रख देंगे और आप देख सकते हैं इस पॉलीथीन में थोड़ा सा हम कर लेंगे कैंची से कट, जितने बड़े हमें चाहिए उसी हिसाब से। और अब हम जेंटली हल्के हाथों से इसको रखते जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये देखिए भरा ज़्यादा था ना हमारा पॉलीथीन, भर ज़्यादा गई थी इस वजह से ये थोड़ा सा निकल गया था। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे नाश्ते बन रहे हैं छोटे छोटे, ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और फ्लफ़ी भी बहुत होंगे। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। तो ये देखिए कितना इजी है बनाना हमारा। तो ये फैल गया था, कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लगेगा। अब इसको ढक करके 10 मिनट कुक कर लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से हम कुक करेंगे 10 मिनट, आप देख सकते हैं। और एक बात गाइस, हमारे हाथ भी बिल्कुल गंदे नहीं हुए, ये देख सकते हैं, बिल्कुल भी हाथ से हमें टच नहीं करना पड़ा किसी भी चीज़ को, और अच्छे से नाश्ता बनकर तैयार हो गया। देखिए आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छे से फ्लफ़ी और फूला फूला नाश्ता हमारा दिख रहा है। तो इसी तरह से हम इसे 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 10 मिनट के बाद देखिए ओपन करके हम देखेंगे, तो ओपन करने से ही पता चल रहा है कि हमारा नाश्ता कुक हो चुका है। मगर फिर भी तसल्ली के लिए थोड़ा सा नाइफ़ या टूथपिक डालकर देख लें, अगर वो क्लीन निकलती है तो हमारा नाश्ता बन चुका है। तो देखिए हमारा नाश्ता बन चुका है, नाइफ भी अच्छे से निकली है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे इसी तरह से, उसके बाद हम नाश्ता निकाल लेंगे। तो ये देखिए उसी तरह से नाश्ता निकाल लिया है। आप चाहें तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, जो कि ऑयल नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, डाइटिंग में है, वो ऐसे ही नाश्ता कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और जो थोड़ा बहुत ऑयल खा लेते हैं तो उनके लिए आगे है इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए। तो ये देख सकते हैं हमने एक बारीक टमाटर को चॉप कर लिया है और एक हमने ले लिया है प्याज बारीक, जिसको हमने चॉप करके रख लिया है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो ये प्रोसेस आप हटा सकते हैं, बिना तेल का खा सकते हैं। तो ये देखिए हमने डाल दिया है एक स्पून के करीब ऑयल। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। एक स्पून के करीब जीरा ऐड किया है और ये देखिए इसका नाश्ता कितना अच्छे से फ्लफ़ी है और कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। आप ऐसे ही खाना चाहें तो ऐसे ही बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि इसमें सारे मसाले सारे इन्ग्रीडियंट हमने ऐड किए हुए हैं। तो ये देखिए जीरा हमारा हो चुका है, तो इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। गाइस इससे और स्वाद बढ़ जाएगा हमारे नाश्ते का। ये देखिए प्याज हो चुका है, तो अब हम ऐड करेंगे टमाटर, और कोई भी इन्ग्रीडियंट हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही हमने अपने नाश्ते में सारे इन्ग्रीडियंट ऐड कर चुके हैं। तो इसको हम ढक करके कवर करके पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, जिससे कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, पक जाएँ अच्छे से। तो इस तरह से चलाते हुए कुक कर लेंगे, और ये देखिए ढक करके हम इसे पका लेंगे, क्योंकि टमाटर जो पक जाएंगे ना तो उससे टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिली सॉस खट्टे खटास के लिए, तो 2 स्पून के करीब हमने चिली सॉस ऐड किया है, क्योंकि टमाटर तो हमने इसमें ऐड ही किया हुआ है तो चिली सॉस ऐड कर दिया। अगर आप टमाटर के साथ टमाटो केचप भी अच्छा लगे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल धीमा,
और अब इसमें हमने डाल देंगे नाश्ते को और हल्के हाथों से जेंटली इसको घुमा लेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टच करेंगे तो हो सकता है ये हमारा नाश्ता टूट जाए, क्योंकि सॉफ्ट बहुत है ना इस वजह से। और चलिए अब इसमें ऐड करेंगे हम पिज़्ज़ा सीजनिंग। देखिए हमने अपनी फ्लेम को कर दिया है ऑफ़, और अब इसमें हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये देख सकते हैं एक स्पून के करीब। इसको हम अब करेंगे मिक्स हल्के हाथों से और इसे हम सर्व करेंगे, ये देखिए। और गाइस ये नाश्ता आप गर्मा गर्म खाइए तो बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगेगा। बच्चे भी अच्छे से मांग मांग कर खाएंगे और बड़े भी बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो चाहे इसे टी टाइम पर बनाएं या फिर डिनर में बनाएं, बहुत टेस्टी बहुत हेल्दी है नाश्ता, तो इसे आप सर्व करें। देखिए हमने हरी मिर्च के साथ इसे सर्व किया है, आप जिसके साथ चाहें उसके साथ सर्व करें और इंजॉय करें। ये बहुत टेस्टी बहुत यम्मी है, देखिए सॉफ्ट तो इतना है कि आप यकीन नहीं करेंगे इतना सॉफ्ट है। तो अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब